नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारी अध्याय 9 चल रहा था, कक्षा 10 गणित, जिसमें हम विविध जो हमारी प्रश्नावली है उसके हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। शेष क्वेश्चन सिंपल दूरी सूत्र पर आधारित है, वो आपको स्वयं करके देखने। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो उसने कहा है कि किसी वर्ग, तो ये एक स्क्वायर हो गया या एक ये वर्ग हमारे पास, ठीक है, ए बी सी और डी के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख शीर्ष कौन सा होता है, ये इसके चार शीर्ष होते हैं, ठीक है, और ये जो आमने सामने के हैं ये उनको बोलते हैं हम सम्मुख शीर्ष बोलते हैं इनको। तो एक शीर्ष तो है 5, -4 और एक शीर्ष है -3, 2 है, ये दो शीर्ष हो गए। तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, तो हमें क्या करनी है, ये लंबाई ज्ञात करनी है कितनी आएगी। तो आप देखो, मैंने आपको दूरी सूत्र बताया हुआ है। दूरी सूत्र क्या काम आता है, वो यही तो आता है कि जब दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों तो हम उनके बीच की दूरी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ए सी के बीच की दूरी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 - x1 / 2, y2 - y1 / 2। इसको सरल कर लो, इसको नाम दे देना x1 y1 और इसको नाम दे देना आप x2 y2। सरल कर लो, x2 का मान -3 माइनस x1 का मान है 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान है -4। माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। -3 और -5 जुड़ेंगे, माइनस माइनस क्या आपको पता ही है, जुड़ते हैं, तो -3 - 5 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। यहाँ 4 और 2 जुड़ेगा तो 6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ -8 / 2 है, -8 को -8 से गुणा करना है, तो 8 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 और 64 और 36 को जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। इसका मतलब इनके जो विकर्ण की लंबाई है वो कितनी आएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किताब खोल लो आप 10वीं की, और इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है। उसने कहा एक रेखाखंड का एक सिरा, ये जैसे मान लो एक रेखाखंड है, ठीक है, ये इसके दो सिरे हो गए ए और बी। उसने कहा रेखाखंड का एक सिरा 4, 0 है और मध्य बिंदु 4, 1 है, इन दोनों का मध्य बिंदु है पी जिसके निर्देशांक है 4, 1। तो वो कहता है कि रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक ज्ञात करो, हमें इस बी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि माना जो बी बिंदु है, माना बी बिंदु के निर्देशांक बी एक्स को मई है, ये मैंने मान लिया। अब ये ए बी का ये क्या मध्य बिंदु है ना, तो हम कहेंगे प्रश्न अनुसार जो पी है 4, 1 जो है ये रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, ये जो 4 P बिंदु है ये रेखाखंड ए बी का क्या मध्य बिंदु है और इसके निर्देशांक हमने क्या माने थे, x, y माने, तो मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र से, तो मैंने आपको मध्य बिंदु सूत्र क्या बताया भाई, कि x कोऑर्डिनेट तो बराबर होता है इन दोनों के x कोऑर्डिनेट के योग बटा 2 के, और जो y कोऑर्डिनेट वो मैंने आपको बताया दोनों का y निर्देशांक उनका योग बटा 2, ये होता है मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। अब आपको बताइए कि ये मान होता है xy का, ये मान होता है x1 y1 का और ये मान होता है x2 y2 का, तो इसमें आप क्या करो, मान रख दो। देखो x का मान कितना है, 4, x1 का मान है 4 प्लस x2 का मान है x। अब इसको सरल करते हैं, तो इसका बटा में एक करके हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो इसकी एक से गुणा होगी तो ये आ जाएगा 4 + x और ये 2 की दर गुणा हो जाएगी तो 4 × 2, तो 4 + x बराबर में 4 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, ये आ गया 8। ये प्लस का 4 पक्षांतरण के द्वारा उधर ले जाओ
तो प्लस का 4 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और 8 में से 4 घटाओगे तो कितना शेष बचेगा, 4। तो x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। अब इनमें मान रखो, y का मान कितना है, 1, y1 का मान कितना है, 0, y2 का मान है y/2। तो इसके बेटा में 1 कर बजट गुणा करें अपन, तो इसको 2 से गुणा हो जाएगी, 0 + y। अब y में 0 जुड़ेगा तो y आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आई 2। तो जो हमारा B बिंदु है, तो B बिंदु के निर्देशांक, तो जो B बिंदु इसके निर्देशांक हो जाएंगे, x का मान 4 और y का मान कितना हो जाएगा, 2। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आपके इसके इसी तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ चाहे नोट्स भी बना सकते हो। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम विविध कर रहे हैं नौवीं प्रश्नावली की, और उसमें हमें एक क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। देखो, उसने बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु दे रखा है 6.8, उसने कहा बिंदु 6.8 और 2.4, ये एक बिंदु है 2.4 को मिलाने वाले रेखाखंड, इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये हो गया के मध्य बिंदु, इन दोनों का ये हो गया मध्य बिंदु P, ये पता नहीं क्या निर्देशांक इसके, इस मध्य बिंदु P से एक बिंदु दिया हुआ हमें यहाँ पर, पता नहीं कहाँ है, यहाँ मान लिया 1.2, इसकी दूरी ज्ञात करो, मतलब इस बिंदु से इसकी क्या करनी है तुम्हें, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये P बिंदु इसका क्या है, बिल्कुल मध्य बिंदु नहीं है क्या, ये P बिंदु इसका मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, पहले मध्य बिंदु का सूत्र लगाकर और ये P बिंदु निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसके और इसके बीच में हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे और इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसमें हमें 2 सूत्र लगाने हैं, तो मैं एक और मान लेता हूँ कि माना रेखाखंड AB का, रेखाखंड AB का मध्य बिंदु के निर्देशांक पी x.y है। ठीक है, अब ये x.y के मान निकाल लेते हैं हम, अतः मध्य बिंदु सूत्र से, तो मध्य बिंदु सूत्र मैंने बताया है कि x कोऑर्डिनेट बराबर होता है x1 + x2/2 के, y कोऑर्डिनेट बराबर होता है y1 + y2/2 के। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू होती है x1 y1 की, और ये वैल्यू किसकी होती है, x2 y2 की, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम मान रखते हैं, देखो x1 का मान है 6, x2 का मान है 2/2, 6 और 2 जुड़ेंगे तो 8/2, और 8 में 2 का भाग जाएगा तो ये x का मान कितना आ गया, 4। इसी प्रकार y1 का मान है 8, y2 का मान 4/2, 12/2 कितना हो गया, 6। इसका मतलब P बिंदु के निर्देशांक आगे 4.6। अब इनके बीच में हमें क्या करना है, दूरी सूत्र लगाना है। ठीक है, तो P के निर्देशांक, तो P के निर्देशांक हो गए 4.6। अब हम कहेंगे इसको मैंने नाम दे दूं Q, तो P की दूरी, तो इसका सूत्र लग जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है ना, इनके बीच में दूरी सूत्र लगेगा। तो अब आप क्या करो, इसमें एक को मान लो x2 y2, और इसमें एक को मान लो x1 y1। अब इनके बीच में ये फॉर्मूला लगा दो, देखो क्या आएगा, x2 - x1, x2 का मान है 4 - 1 का स्क्वायर, y2 6 - 2 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर, 6 में से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 9 हो गए 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। इसका मतलब P और Q के बीच की ये जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ना समझ आए तो आप इसको दोबारा एक बार बैक करके देख लिया करो। ठीक है ना, इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 19।
उसने कहा है त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। हमें क्या करना है, त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है जिसके शीर्ष हमें दे रखे हैं, जिसके शीर्ष, एक शीर्ष तो आपको दे रखा है 1-1 0.4 और एक दे रखा है 5.3। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिखा है। एक त्रिभुज है, ठीक है, जैसे ये मान लो ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये मान लो बिंदु ए बी और ये बिंदु हो गया सी। अब वो कहता है जिसके शीर्ष, एक शीर्ष तो 1-1, दूसरा है 0.4, तीसरा शीर्ष है 5.3। ये तीन शीर्ष बिंदु दे दिए। अब उसने कहा कि माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका पता चलेगा तभी तो आएगी ना लंबाई। तो मैं आपको माध्यिका के बारे में बताता हूँ कि ये माध्यिका क्या होती है। तो जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का ये शीर्ष है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा जो है ये क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। तो हम इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं। क्या परिभाषा लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, अपने बोर्ड परीक्षा में अपने को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु ना, इसको मिलाने वाली ये रेखा, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ठीक है, मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ओके, और त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, तो देखो इससे इसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली ये माध्यिका होगी, और इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा को मिलाने वाली ये माध्यिका होगी। इसका मतलब त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, तीन माध्यिकाएं होती हैं। तो हमें इन माध्यिकाओं की क्या करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो इन दोनों का मध्य बिंदु ये निकालेंगे हम डी, इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे ई, और इन दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे एफ, और इनके निर्देशांक निकल जाएंगे मध्य बिंदु सूत्र से। और फिर हम क्या करेंगे, सी बिंदु से इनके बीच में दूरी का सूत्र लगाकर और इनके बीच की लंबाई निकाल लेंगे, वो हो जाएगी हमारे माध्यिका की लंबाई। बिल्कुल सरल है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि ए बी के मध्य बिंदु ई, ये मध्य बिंदु डू है, डी है, तो ये हो जाएगा डी के निर्देशांक। तो देखो मध्य बिंदु निर्देशांक का क्या फॉर्मूला आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बराबर होता है x1+x2/2, y1+y2/2। बिंदु निकाल लो आप, तो इसका ये पहला और ये पहला जुड़ेगा, तो 1+0/2 -1+4/2, ठीक है, 1+0 हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 3/2। इसका मतलब इस बिंदु के निर्देशांक आगे 1/2 और 3/2। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इस ई बिंदु के निर्देशांक भी निकालने। तो हम लिखेंगे ए ई के मध्य बिंदु ई के निर्देशांक। तो हमारे पास फॉर्मूला है ये, ठीक है, क्या फॉर्मूला है, x1+x2/2 y1+y2/2। तो ये वाला आप फॉर्मूला लगा दो, तो देखो क्या आएगा, ये e के निर्देशांक निकालने, तो ये पहला हो गया x1, ये हो गया x2, तो -5+0/2 और ये हो जाएगा 3+4/2। तो देखो कितना आ जाएगा, -5/2 और ये हो जाएगा 7/2। तो इस बिंदु के निर्देशांक 5/2 7/2। फिर लिखेंगे एस सी के मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला x1+x2/2 y1+y2/2। तो देखो ये 1 और ये -5,
वन प्लस माइनस पाँच बटा दो, फिर इनका वाई वाई वन और वाई टू, तो माइनस एक प्लस तीन बटा दो। सरल कर लो इसको, ये माइनस पाँच है तो ये वन माइनस पाँच बटा दो हो जाएगा, ठीक है। सरल कर लो, वन माइनस पाँच करोगे तो माइनस चार आएगा, और माइनस एक प्लस तीन करोगे तो ये आएगा दो बटा दो। दो का भाग इसमें दो आ जाता तो ये माइनस दो है, दो में दो का भाग एक आ जाता तो ये हो जाएगा एक। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे आपके पास माइनस दो कोमा एक। तो हमारे पास तीनों आ गए, हमने तीनों क्या किए, मध्य बिंदु निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ये दूरी निकालेंगे सी डी दूरी। तो सी डी दूरी, तो दूरी का क्या फॉर्मूला होता है बताया हुआ आपको, काफ़ी प्रैक्टिस हमने इसके ऊपर कर ली है और हमने काफ़ी सवाल भी इसके कर लिए हैं। तो ये फॉर्मूला था हमारा सी डी दूरी का। तो देखो, इनको मैं मान लेता हूँ एक्स वन वाई वन और इनको मान लेता हूँ मैं एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होगा, एक बटा दो माइनस एक्स वन, एक्स वन का मान है माइनस पाँच और यहाँ माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा प्लस पाँच की घात दो। वाई टू का मान है तीन बटा दो माइनस वाई वन, वाई वन का मान है तीन की घात दो। सरल करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करो आप, लघुत्तम ले लो, ठीक है। तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, दो लघुत्तम आएगा, ठीक है। इसके बटा में एक है तो दो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वन, और इसको दो से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा दस। इसमें भी लघुत्तम दो आएगा क्योंकि इसके बटा में एक है, तो ये आएगा तीन, एक का भाग दो में दो बार जाता तो इसको दो से गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा सिक्स। तो देखो यहाँ क्या चीज़ बचती है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये बिंदु तो हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। क्या आंसर आता है, देखो दस और एक कितने हो गए, ग्यारह, ग्यारह बटा दो की घात दो प्लस माइनस तीन बटा दो की घात दो। ग्यारह को ग्यारह से गुणा किया एक सौ इक्कीस, और दो को दो से गुणा किया चार, यहाँ माइनस तीन को माइनस तीन से गुणा किया नौ, दो को दो से गुणा किया चार। अब इसमें चार क्या आएगा, फिर लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक सौ इक्कीस प्लस नौ, और एक सौ इक्कीस में नौ जुड़ेंगे तो एक सौ तीस बटा चार। अब आप देखो दो का भाग जा रहा है इसके अंदर, है ना, इसमें लगाएंगे तो ये आएगा पैंसठ और ये कितना आ जाएगा दो, तो ये हमारी एक दूरी आ गई वर्गमूल पैंसठ बटा दो आ जाएगी, ठीक है। तो एक माध्यिका की लंबाई आ गई ये। इसके बाद में दूसरी माध्यिका निकालते हैं हम, बी एफ, इसकी लंबाई निकालते हैं। तो हम लिखेंगे बी एफ दूरी, तो क्या आ जाएगी, फॉर्मूला तो यही रहना, मान रख दो ये तो हो गया एक्स टू वाई टू और ये हो गया एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का मान है जीरो का स्क्वायर प्लस वाई टू एक माइनस वाई वन का मान है चार का स्क्वायर। सरल कर लो, माइनस दो में जीरो जुड़ेगा तो माइनस दो ही आएगा, तो माइनस दो का स्क्वायर, एक में से चार जाएगा तो माइनस तीन बचेगा, तो माइनस तीन का स्क्वायर। यही लिख देते हैं, माइनस दो को माइनस दो से गुणा किया चार और तीन को तीन से गुणा किया नौ, ठीक है। माइनस तीन को माइनस तीन से गुणा करते हैं नौ आता है, और नौ में चार जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, वर्गमूल तेरह। इसका मतलब जो बी एफ की जो माध्यिका है वो हमारे पास कितनी हो गई, वर्गमूल तेरह हो जाएगी, ठीक है। कई कुछ ये जो है ना, ये वाली जो माध्यिका निकली है इसकी लंबाई, इसकी लंबाई है ना किताब में ये दे रखी है, देखो मैंने तो हालांकि ये निकाली है, इसकी लंबाई केवल ये दे रखी है, आप उत्तर मिला लेना। देखो 121 और 9 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 बटा 4। अब इसका वर्गमूल क्या करो, अलग अलग कर दो, तो ऐसे अलग अलग कर सकते हैं। अब 130 का वर्गमूल तो कुछ निकाला नहीं है और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो किताब में ये दे रखा है, ठीक है उत्तर। तो चाहे आप ये कर लेना ऐसे, चाहे ये कर लेना, एक ही बात है। और इसी प्रकार से आप क्या करना, ए से लेकर ई की लंबाई निकाल लेना, ठीक है। तीनों लंबाइयाँ निकल जाएगी तो ये हमारी हो जाएगी माध्यिका की लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी के अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है और परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है।
हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है आपके पास, और इस त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं, इस ए बी का मध्य बिंदु है डी, इसका मध्य बिंदु है ई और इसका मध्य बिंदु है एफ। हमें एक त्रिभुज की भुजा के जो मध्य बिंदु दिए हुए हैं वो दिए हुए डी ई एफ, और इनके निर्देशांक हमें दिए हुए कितने कितने वो मैं लिख देता हूँ। निर्देशांक है 1, 2, 0, -1 और 1 है 2, -1। ये हमें क्या किए हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। तो वो कहता है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद करो। तो ये शीर्ष होते हैं ये वाले तीनों, और ये तीनों क्या है, मध्य बिंदु है। तो शीर्षों के निर्देशांक मैंने मान लिए, एक का तो माना x1 y1, बी का मैंने माना x2 y2 और सी का माना मैंने x3 y3। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है कि त्रिभुज के, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं, डी दे रखा है 1, 2, ई दे रखा है 0, -1 और एफ दे रखा है 2, -1। और हमें क्या करना है, इस शीर्षों के निर्देशांक क्या करने, ज्ञात करने। तो जो ज्ञात करना होता है उसको हम क्या मानते हैं, तो हमने मान लिया, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि माना त्रिभुज के शीर्ष ए बी सी के निर्देशांक क्रमशः x1 y1, x2 y2 व x3 y3 है। ये मैंने निर्देशांक मान लिए कि a का ये है, b का ये है और c का ये। अब हम इस पे बात करते हैं। देखो ये a और b का ये d मध्य बिंदु नहीं है क्या, तो हम ये कहेंगे कि d a b का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 वो होता है x के बराबर, और y बराबर में हो जाएगा y1 + y2/2, ठीक है। तो ये x1 y1, ये तो दिया ही भाई, ये वैल्यू किसकी x की और ये वैल्यू किसकी है y की, इसमें मान रख दो। तो x की वैल्यू 1, ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि x1 और ये x2 है, ये तो ये आ जाएगा x1 + x2/2, और यहाँ y का मान कितना है 2, तो ये आ जाएगा y1 + y2/2। अब इनको क्रॉस मल्टीपल कर दो, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, तो आपके पास आएगा x1 + x2 = 2 की गुणा होगी तो 2। इधर भी बजर क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 को 2 से गुणा होगी तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y1 + y2 = 4। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से हम इनकी 2 समीकरणें निकालेंगे और इसी तरीके से इसकी 2 समीकरणें निकालेंगे, और फिर हम इनको सरल करेंगे ना, तो हमारे पास x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के मान आ जाएंगे, वो ही हमारे क्या हो जाएंगे, बिंदु ए बी सी के निर्देशांक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम लिखते हैं कि ई बिंदु सी बी का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। तो सूत्र ये हमारे क्या था, x, इसमें ये x2 है, ये x3 है, तो इस बार जोड़ ये होगा x2 + x3/2, और ये जो y मान है ये बराबर होगा y2 + y3/2। x का मान है 0, तो x2 + x3/2, तो इसकी क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 2 की 0 से मल्टीपल होगा तो 0 हो जाएगा, इसकी 1 से गुणा होगी तो ये चीज़ आ जाएगा x2 + x3/0। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। y का मान है -1, तो यहाँ -1 रख दो, -1 y2 + y3/2 क्रॉस मल्टीपल कर दो इधर, तो y2 + y3 = 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार f है, तो हम कहेंगे कि f AC का मध्य बिंदु है,
ये जो एफ है ये एसी का क्या है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। हाँ भी इसके अंदर मध्य बिंदु सूत्र कैसे लगेगा, तो x बराबर होगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री बटा दो, और जो y वाला फॉर्मूला वो बराबर होगा वाई वन प्लस वाई थ्री बटा दो, वाई वन प्लस वाई थ्री बटा दो, ठीक है ना। x का मान है यहाँ, ये x y के मान होते हैं क्योंकि ये मध्य बिंदु है, तो ये दो हो जाएगा, और y का मान है माइनस एक, तो ये माइनस एक हो जाएगा। बस इधर गुणा कर दो, ये इसके दो को इधर गुणा होगी तो ये हो जाएगा फोर, और इस दो की इधर गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस टू, तो ये समीकरण हो जाएगी पाँच और ये समीकरण आ जाएगी छः। हमारे पास छः समीकरण आ गई है, कितने समीकरण आ गई, छः, और इन छः समीकरणों को हम क्या करेंगे, अब सरल करेंगे, और इससे हमारे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू और वाई थ्री के मान निकालेंगे, ठीक है। तो इन समीकरणों को हमने यहाँ तक कर लिया, इनको हम एक साथ में लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। अब हमें चित्र की और कोई आवश्यकता नहीं है, बस हमें बिंदु निकालने हैं। तो मैं तीनों ये समीकरण लिख लेता हूँ, x1 प्लस x2 बराबर में दो, y1 प्लस y2 बराबर में चार, ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ठीक है। फिर हो जाएगा x2 प्लस x3 बराबर में जीरो, y2 प्लस y3 बराबर में माइनस दो, x1 प्लस x3 बराबर में चार, y1 प्लस y3 बराबर में माइनस दो, ये लो जी, ये छह समीकरण, इनको सरल करना और माने निकालना। तो देखो इनमें, देखो प्रत्येक समीकरण में आप देखो कि जो चर संख्याएं हैं वो अलग अलग है। देखो इसमें x1 x3 2 है, इसमें 1 है तो 3 है, इसमें 2 है तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, इस एक समीकरण की सहायता से इनको सेम चर के अंदर बना लेंगे। तो आप समीकरण तीन में देखो, समीकरण तीन से, इस समीकरण से ये थ्री आप उधर ले जाओ तो एक्स टू बराबर में कितना हो गया, माइनस एक्स थ्री हो गया ना, ये समीकरण नंबर है सात। ये एक्स टू का मान आप यहाँ रख दो एक में, तो हम ये कहेंगे एक्स टू का मान समीकरण एक में रखने पर, यहाँ रख दो एक में, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वन, एक्स टू की जगह माइनस एक्स थ्री, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स थ्री बराबर में है टू, ये हो गया समीकरण नंबर आठ। अब आप देखो ये वाली और ये वाली, देखो एक्स वन एक्स थ्री, एक्स वन एक्स थ्री दो चरों में बन गए ना, सेम है चर। तो अब इन दोनों समीकरणों को क्या करो, विलोपन विधि लगा देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ो आप, तो हम लिखेंगे समीकरण पाँच व आठ को जोड़ने पर, जोड़ दो इनको, तो एल एच एस में एल एच एस जुड़ती है, ठीक है ना, और आर एच एस में आर एच एस जुड़ती है। ये एक्स थ्री प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा दो एक्स वन, और चार और दो जुड़ के हो जाएंगे छः, एक्स वन बराबर में हो गया छः बटा दो, छः में दो का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा तीन, एक्स वन का मान तीन आया, एक्स वन का मान तीन यहाँ रख दो और उस तीन को यहाँ ले जाना, तो एक्स थ्री का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एक्स वन का मान समीकरण पाँच में रखने पर, ठीक है, इसमें रख दो तो देखो क्या चीज़ आएगी, तीन प्लस एक्स थ्री बराबर में चार, एक्स थ्री बराबर में चार, प्लस का तीन उधर गया माइनस का तीन, तो एक्स थ्री का मान कितना आ गया एक, ठीक है। अब एक्स थ्री का मान एक है ना, वो यहाँ रख दो, तो एक्स टू का मान कितना आ जाएगा माइनस एक, तो हम ये कहेंगे कि एक्स थ्री का मान समीकरण सात में रखने पर, ये साथ में रख दो यहाँ, तो ये x2 बराबर में कितना हो जाएगा, x2 बराबर में माइनस एक। तो देखो हमारे पास x1 का मान कितना आया, x1 का मान आया तीन, x2 का मान आया माइनस एक, और x3 का मान कितना आ गया एक, ये तीनों मान हमारे पास है आगे। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये y1 y2 y3 के मान निकालने, तो हम क्या करते हैं इसमें से y3 को इधर ले जाते हैं, तो y2 बन गया, y2 का मान हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं समीकरण चार से, ठीक है। तो देखो y2 बराबर में कितना हो गया माइनस दो, इस y3 को उधर ले जाओ तो ये कितना हो गया माइनस y3, ये हो गया समीकरण नंबर सात, आठ, आठ हो गई थी ना, तो इसको मैं दे देता हूँ नौ नंबर। और समीकरण नौ से y2 का मान
समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, इसमें रख दो आप, तो देखो क्या आ जाएगा, वाई वन प्लस वाई टू, वाई टू का मान ये है, दोनों माइनस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का दो माइनस वाई थ्री बराबर में चार, ये माइनस दो उधर ले जाओ तो वाई वन माइनस वाई थ्री बराबर में चार, माइनस का उधर या प्लस का तो वाई वन माइनस वाई थ्री बराबर में हो गया सिक्स, ये हो जाएगी समीकरण नंबर दस। अब आप ये देखो, ये वाई वन वाई थ्री में आएगी, ये भी वाई वन वाई थ्री में होगी, तो इन दोनों को क्या करो आप जोड़ दो, किसको, छः और दस को, तो यहाँ कर देते अपन छः व दस को जोड़ने पर, तो जोड़ो इनको तो देखो क्या आएगा, एल एच एस से एल एच एस जुड़ेगी, ठीक है, ये एल एच एस से इस एल एच एस को जोड़ दिया, और ये आर एच एस से ये आर एच एस जुड़ेगी, तो माइनस दो में जुड़ जाएगा छः, वाई थ्री से वाई थ्री कैंसिल हो गया, ये बचेगा वाई वन प्लस वाई वन, और इधर माइनस दो और ये प्लस का छः, तो चार बचेगा, वाई वन जुड़कर हो जाएगा दो वाई वन बराबर में चार, तो y1 का मान हो जाएगा चार बटा दो, और चार में दो का भाग लगेगा तो y1 का मान कितना आ गया, दो, y1 का मान दो आया, ठीक है, तो y1 का मान दो आप यहाँ रख दो, ठीक है, चाहे आप इसमें यहाँ रख दो, जो समीकरण लेके हमने सरल की थी ना छः और दस, इनमें से कोई से मैं रख दो, तो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो y1 का मान समीकरण छः में रखने पर, तो देखो ये हो गया दो प्लस वाई थ्री बराबर में माइनस दो, ये प्लस का दो उधर जाएगा तो माइनस का दो, तो वाई थ्री बराबर में कितना हो गया माइनस चार, और वाई थ्री का जो माइनस चार आया वो आप नौ में रख दो या माइनस चार, तो माइनस दो और माइनस चार माइनस का हो जाएगा छः, ठीक है, तो थोड़ा स्पेस और बढ़ा लेते हैं, ये समीकरण तो हमने कर ही ली, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि वाई थ्री का मान समीकरण नौ में रखने पर, नौ में रखने पर, तो देखो क्या आएगा, वाई टू बराबर में माइनस दो माइनस माइनस चार, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस चार, ये कितना हो जाएगा दो, तो देखो हमने सारे मान निकाल लिए, ठीक है, तो ये तीनों बिंदु ए बी सी क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो मान रख दो, वाई वन का मान कितना था दो, तो यहाँ आ जाएगा दो, वाई टू का मान है दो, वाई थ्री का मान कितना है माइनस चार, एक्स वन का मान है तीन माइनस एक, और इसका मान भी कितना है एक, तो ये जो तीनों बिंदु है वो क्या क्या हो जाएंगे, तीन दो माइनस एक दो और एक माइनस चार, ये तीनों बिंदु हमारे शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे, किसके, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है ना, सरल क्वेश्चन है, और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, आप पढ़ो किताब में क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5 7 और 3 9 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु वही है, मतलब एक बिंदु है आपके पास ए 5, 7 और एक बिंदु बी है 3, 9, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का जो मध्य बिंदु है पी, वो कहता है इसके निर्देशांक वही है जो दो बिंदु और दे रखे हैं हमें, जैसे मान लो एक डी दे दिया और एक सी दे दिया, वो कहता है सी और डी दो बिंदु हैं 8, 6 और 0, 10, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसने कहा कि इन दोनों का मध्य बिंदु जो आएगा ना, वो ही सी और डी का जो मध्य बिंदु आएगा वो आएगा, तो हमें यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है, तो देखो पहले हम ए बी में मध्य बिंदु का सूत्र लगाते हैं, तो मैं ये आपको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, ठीक है ना तो देखो ये मान मान लो एक्स वाई है, तो एक्स बराबर में क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू, तो 5 + 3/2, तो देखो कितना हो गया 8/2, तो एक्स का मान कितना हो गया 4, वाई वन प्लस वाई टू तो 7 + 9/2, 16/2, और 16 में 2 का भाग लगेगा 8, तो ये P बिंदु के निर्देशांक क्या है 4, 8 आ गए। अब हम इन दोनों के लिए सरल करते हैं, देखो x बराबर में 8 + 0/2, 8/2 और 8 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार। इसी प्रकार y बराबर में 6 + 10/2, 10 और 6 16/2, और 16 में भाग लगेगा तो 8,
तो भी बिंदु के निर्देशांक क्या है? 4.8। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का मध्य बिंदु भी यही आएगा और इन दोनों का मध्य बिंदु भी यही आएगा। ये बात हमें सिद्ध करनी थी। तो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।